ईद के पावन पर्व पर गढ़मीरपुर में दी गंगा जमुना तहजीब की मिसाल। आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश में जातिवाद को लेकर हिंसा पनप रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम गढ़मीरपुर में हिंदू एसपी एस समाज के लोगों ने गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की है। ईदगाह में जाते वक्त नमाज मुख के ऊपर पुष्प वर्षा कर और गले मिलकर ईद की बधाई दी। बसपा के विधानसभा अध्यक्ष सुमित जरावरे ने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम भाईचारे की शुरुआत सांप्रदायिक सौहार्द का पौधा लगाकर पुरखों द्वारा दी गई थी। वही गढ़मीरपुर में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा लगातार रविदास जयंती और अम्बेडकर जयंती पर हिंदुओं का स्वागत किया गया। वहीं आज हमारे द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों पर पुष्प वर्षा कर एकता की मिसाल पेश की गई। वहीं यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अर्जुन कर्णवाल ने कहा कि देश में एक अच्छा संदेश पहुंचाने के लिए इससे बेहतर काम और कोई नहीं हो सकता। आज हमारे द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को सम्मानित कर उनके पुष्प ऊपर पुष्प वर्षा की गई और आगे भी समाज में ऐसे ही भाईचारा बना रहे, हम इसकी कामना करते हैं। पाक पर्व ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को। देखिए, ये जो आज नमाजियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो हमारे पूर्वजों के समय से ही गंगा जमनी जो तहजीबी की बात है वो तो सदियों से चली आ रही है। हाँ, बीच बीच में कुछ ऐसे सांप्रदायिक मामले आ जाते हैं, कुछ लोग उपद्रवी मचाते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन लोगों को ये संदेश देने के लिए कि इस क्षेत्र में, इस देश में भाईचारा जिंदा है, इस तरह के प्रयास होते रहेंगे, भविष्य में भी होते रहेंगे। और इन संदेश के माध्यम से ही जो आज पुष्प वर्षा नमाजियों के ऊपर की गई है, ये यही संदेश है कि भाईचारा हमेशा रहेगा। जिन लोगों ने पहले भी भविष्य भूतकाल में भी कुछ लोगों ने भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की है, और ना तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, ना तो वो पहले कामयाब हुए हैं और ना वो भविष्य में कामयाब होंगे। भाई हमेशा बना रहेगा, सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा कायम रहेगा। देखिए, भारत को जो हम जानते हैं अनेकता में एकता के बारे में, पूरा देश में किस्सा मशहूर है कि भारत भिन्न भिन्न जाति धर्म रीति रिवाजों क्रियाकलापों भाषा और अपने ओढ़ने पहनने पर हम हर जगह खंड खंड है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय एकता की आती है, बात देश के सांप्रदायिक सौहार्द की आती है, तो वहाँ हम एक नज़र आते हैं। और भारतीय जो संविधान है वो एक ऐसा दस्तावेज है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। इसलिए संविधान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखें और विकास के कार्यों पर आगे बढ़ें। और जो आज ये गांव गढ़मीरपुर में नमाजियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है, इसका यही संदेश है कि देश के अंदर भाईचारा बना रहे और समय समय पर इस तरह के कार्यों को प्रोत्साहन सभी लोग मिलकर के देंगे। आज कोई पहला वाक्य तो नहीं है, पहले भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा में और परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की शोभा यात्रा में मुस्लिम समाज ने भी आगे आकर के फल वितरित किए, एक भाईचारा बनाने का काम किया। उसी की पहल आज हिंदू समाज की ओर से भी की गई और ये सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में, इस देश में बना रहेगा। इसके लिए हम भविष्य में भी प्रयासरत रहेंगे। आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे क्षेत्रवासियों को। आज ये त्यौहार, आज का माहौल देख के ही ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम का जो प्यार है वो ईद के मौके पर पता चलता है। और आगे से भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखेंगे और अपने क्षेत्र में शांति का माहौल था, है और आगे भी रहेगा। और जितनी हमारी कोशिश रहेगी इस चीज़ को लेकर, हम इसका पूरा 100% देंगे अपनी जनता को। और फिर मैं ये कहूँगा, पत्रकार मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बोलना मौका दिया। आज की जो हमारी पूरी प्रक्रिया रही, सुबह से शाम तक हम लगे रहे और जितना रहा बहुत 100% देने की हमने कोशिश की होगी। हमने अपने नमाजों के ऊपर फूल अर्पित किए और उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाकर मान सम्मान दिया, और हम ये चाहते हैं कि हमारा और उनका प्रेम भाव हमेशा बना रहे। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।